दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बगैर अंडे की ऑमलेट, जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। जो अंडे नहीं खाते वो उसे बना सकते हैं। तो चलो तैयार करते हैं। मैंने बाउल में 3 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच मैदा। इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम 1/4 हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/4 काली मिर्च का पाउडर, 1 लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/4 से कम, 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/4 बेकिंग सोडा, 1/4 हम मिला देते हैं इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, और धीरे धीरे पानी डालते हैं। नहीं जाता गाढ़ा, इस तरीके का रखना है। ऑमलेट का घोल हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसे प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर मैंने 1/2 प्याज काटी है, 1/2 टमाटर काटा, इसको भी डाल देते हैं। मेरे को इस तरीके का पसंद है। आप चाहो तो इसे प्लेन भी बना सकते हो, आप जैसा खाते हो उस तरीके से बना सकते हो। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ऑमलेट का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, हम ऑमलेट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है ये वाला पैन। आंच को धीमी रखना, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इस तरीके से इसको फैला लेते हैं हम, धीमी धीमी आंच पर इसको पकने देते हैं। अगर हमने आंच तेज कर दी तो ये नीचे से जल जाएगा और ये फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा। दोस्तों, हमने अपने ऑमलेट को पलट दिया है, देखो कितना अच्छा कलर आया इसका। दोस्तों, ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखो, इस तरीके से देखो कितना अच्छा ऑमलेट तैयार हो गया हमारा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ। इस वीडियो को शेयर करो, सारे दोस्तों में शेयर करो, हर आईडी से शेयर करो और मचा डुट्टा भाई।